मूवीज बॉलीवुड की हो, टॉलीवुड की या फिर हॉलीवुड की, बहुत समय से इन मूवीज का सीरीज में तब्दील होना या फिर इनके अलग अलग पार्ट्स निकालने का जो चलन है ये चलता चला आ रहा है, जैसे कि धूम धूम 2, धूम 3 या फिर पुष्पा पुष्पा 2 या फिर आयरन मैन 2, आयरन मैन 3। अब इन सारी मूवीज का प्लॉट सेम रहता है, कहानी बदल जाती है लेकिन प्लॉट सेम रहता है, इसीलिए मेकर्स इसका नाम चेंज नहीं करते, बस इसके नाम के आगे एक नंबर ऐड कर देते हैं जिससे पता चले कि आगे की स्टोरी है। अब इसी तरीके से हमारे सामने क्रिश 4 आने वाली है, क्रिश, क्रिश 2 और क्रिश 3 के बाद। ओ वेट, क्रिश 2 ये कहाँ थी? तो दरअसल हुआ ये था कि 23 जून 2006 में जब राकेश रोशन ने क्रिश रिलीज की थी तो उसके कुछ ही सालों बाद उन्होंने 1 नवंबर 2013 को डायरेक्टली क्रिश 3 मूवी रिलीज की थी। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर क्रिश 2 गई कहाँ। तो दरअसल इस चीज का जस्टिफिकेशन ऋतिक रोशन ने rediff.com को दिए हुए एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से रेफरेंस दिया था रैम्बो मूवी का, जैसे फर्स्ट ब्लड नाम की मूवी आई थी 1982 में जिसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम रैम्बो था, जिसके बाद 1985 में ये मूवी आई रैम्बो और 1988 में जो मूवी आई उसका नाम रखा गया रैम्बो 3। तो इसमें रैम्बो 2 तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन कहानी की सीरीज के हिसाब से तो ये तीसरी सीरीज थी ना। बस इसी तरीके से कोई मिल गया के बाद जो कि 2003 में आई थी, उसके बाद क्रिश मूवी आई और जब तीसरा सीरीज आ रही थी इसकी तो इसका नाम रखा गया क्रिश 3, इसलिए क्रिश 2 का कोई नामोनिशान नहीं है, यही जस्टिफिकेशन दिया था इन लोगों ने। राकेश रोशन को बार बार क्रिश 3 की कहानी को चेंज करना पड़ा था क्योंकि ये कहानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरह ही बुनती जा रही थी। दरअसल जैसा आपने स्पाइडरमैन में देखा है कि पीटर जो कि मेन कैरेक्टर है जो कि स्पाइडरमैन भी है, वो अपने ही पिता के दोस्त डॉक्टर कॉनर्स को उनका एक फॉर्मूला दे देता है जिसे डीके रेट कहा जाता है और इस फॉर्मूले को वो अपने ही अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और इस फॉर्मूले में सेल रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो ऐसा ही कुछ ऑटिज्म और रीजनरेशन म्यूटेशन इन सब पे राकेश रोशन कहानी लिखना चाहते थे, लेकिन ये हूबहू स्पाइडरमैन की तरफ ही जा रही थी, इसीलिए शूटिंग के बीच में भी इसको रुकवाकर राकेश रोशन को कई बार ये कहानी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ी थी जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये मूवी कॉपी थी और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बॉलीग्राड स्टूडियोज़ के साथ।